नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित अनिल वत्स जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, युद्ध शुरू हो गया है, पूरी दुनिया जो है दो हिस्सों में बट गई है। उधर डेढ़ साल से ऊपर का समय हो गया रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो ज्योतिष गणना क्या कहती है, दुनिया में इस अशुभ का नाश कैसे होगा और कब तक होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये सवाल प्रासंगिक भी है, क्योंकि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये जवाब नहीं होते। हम मनुष्य हैं, मानवता तो होनी चाहिए, दया तो होनी चाहिए, प्रेम तो भीतर होना ही चाहिए। क्या ही अच्छा हो कि हर प्रकार के देश अपना अपना श्रेष्ठ का प्रदर्शन करें कि हमने ये पेंटिंग बनाई है, हमने ये पुष्प बनाए हैं, हमने मनुष्यों के लिए ये खाद्यान्न बनाया है, हमने आकाश में जाने के लिए ये यान बनाए हैं। कितना ही अच्छा हो अगर सारे देश मिलके अपना अपना श्रेष्ठ हमें दें, पर हम ये कर नहीं पाते अहंकार के कारण। मैं ही श्रेष्ठ हूं और दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। जब ये भाव पैदा होता है तो ईर्ष्या, द्वेष और युद्ध होते हैं, तब हम दूसरे का अपमान करते हैं, तब हम दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। और याद रखिए, प्राइड हैज ए फॉल, जहां भी अहंकार आता है उसका नाश हो जाता है। अब वर्तमान का समय हमास और इजराइल का ही देख लीजिए। प्रश्न ये नहीं है गलत कौन है, सही कौन है, प्रश्न ये है कि जिनकी जिससे दुश्मनी है वो तो सामने लड़ते नहीं, और मारे जाते हैं निर्दोष नागरिक। उनको पता भी नहीं कि उनका पाप क्या है, उनको पता भी नहीं उनका कसूर क्या है। लेकिन आपने पूछा है तो जो सिगड़ना तो मुझे करनी पड़ेगी। यद्यपि मेरे पास किसी भी नेता का सही डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है। लोग हमसे कहते हैं, आचार्य जी आपकी वो बात तो ठीक नहीं हुई, तो भैया तुमने हमें सही टाइम भी कब दिया। लेकिन मैं आज के गोचर को देखता हुआ, वर्तमान की ग्रह दशा क्या है उससे देखता हुआ, मैं 7 तारीख को पहुंच रहा हूं, 7 अक्टूबर 23 को, और 6:30 बजे का समय ले रहा हूं जब यह हमला शुरू हुआ। ग्रह स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं कि मंगल जोश, क्रोध, हिंसा और आक्रोश पैदा करता है। साहसी है, दुस्साहसी है, आगे बढ़ के अपना हक छीनना चाहता है। राहु भीतर कुटिलता देता है, चेहरे पे मुस्कुराहट, मुंह में राम राम, बगल में छुरी, राहु से ही आता है। और यदि केतु भी साथ मिल जाए, केतु तो ये विस्फोट, इधर गोले मारो, उधर संहार कर दो। हमें देखना पड़ेगा इन ग्रहों की स्थिति क्या है। और जब कोई ग्रह वक्री होता है, वक्र का मतलब टेढ़ा, यानी वो साम दाम दंडभेद, अपने को सही सिद्ध करना चाहता है, और यही हो रहा है। अगर हम ग्रहों की दशा देखें तो मंगल तुला राशि में है और साथ में राहु केतु का प्रभाव। जैसा मैंने बताया, राहु एक आसुरी प्लेनेट है, राहु एक बहुत स्वेच्छाचारी है, मेरा जो मन है मैं तो वो करूंगा। अब समुद्र यदि अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करे तो नगर डूब जाएगा, अग्नि यदि मर्यादा का उल्लंघन करे, अग्नि को जलाओ उतनी जगह ही रहेगी। लेकिन जब हम अमर्यादित होते हैं तो देखिए, इस वक्त मंगल तुला राशि में और मेष राशि को देखता है। मेष राशि अगर हम देखें तो ये इंग्लैंड की राशि बनती है। अब सूर्य जो है वो नीच के होने वाले हैं और तुला राशि में आएंगे मंगल के साथ, यानी सूर्य राजा और मंगल सेनापति, जिसके हाथ में खड़ग है, तलवार है, और साथ में केतु संहार, नरसंहार, विनाश ये दिखाई देता है। आने वाले 14 दिन, वैसे तो सूर्य 1 महीना रहेंगे तुला राशि में, लेकिन पहले 14 दिन सबसे ज्यादा घातक होंगे। तो मैं कह सकता हूं 7 तारीख से लेके 7 में 14 दिन जोड़िए, 21 अक्टूबर तक का समय बिल्कुल ठीक नहीं। अगर अहंकार बढ़ता चला गया तो मानवता बर्बाद होगी, स्त्रियां, बच्चे, विद्यार्थी व्यर्थ मारे जाएंगे। पुरानी कोई बात हुई होगी सालों पहले, उसको लेके दिल में रखना और निर्दोष लोगों की हत्या करना ये गलत है, इसे रुकना चाहिए। प्रश्न ये नहीं है किसने कौन सही है कौन गलत है, पर ये नरसंहार रुकना चाहिए। लेकिन 21 तारीख तक की स्थितियां ठीक नहीं है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।